हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। तो आप देख सकते हो, ये अभी रात में मैं आप लोगों से शूट कर रही हूँ और रात में बातें कर रही हूँ। और आई थिंक जो भी हॉरर स्टोरी होती है वो रियल भी होती है, कुछ कुछ मिलावटी भी होती है, काल्पनिक भी होती है। बहुत सारे लोग जो हॉरर स्टोरी बनाते हैं, कुछ कुछ काल्पनिक होती है, कुछ कुछ ये होती है। तो पूरे पे ट्रस्ट ना करें और बिल्कुल केयरफुली रूप से, बिल्कुल पूरे पे ट्रस्ट ना करके थोड़ा बहुत करके काम कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के सामने एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही मतलब आपको दिलचस्प लगेगा ये स्टोरी सुनने में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आज देख सकते हो, ये रात है, ये देख लीजिए, ये रात है। रात के करीब 10 बज रहे हैं और मैं इस समय वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वीडियो शूट करने का ये है कि देखिए, एक लड़का था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता था और मुंबई के रास्ते वो जा रहा था, नासिक जा रहा था, क्योंकि उसको जॉब के सिलसिले में कुछ पार्टी वगैरह ने बुलाया था, तो वो वहाँ जा रहा था। तो उस समय खाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा थे और जंगल के रास्ते वो लड़का जा रहा था। सुनील नाम था उस लड़के का। तो ड्राइविंग बिल्कुल अकेले ही कर रहा था, तो रास्ते में जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसको बोला कि सुनील, देखो ये जो रास्ता है ना, थोड़े से हॉरल्स है, थोड़े से यहाँ पे रुकना मत, क्योंकि यहाँ पे है ना, जो कुछ आत्माएं आती है और बोलती है मुझे लिफ्ट चाहिए, वो लिफ्ट बिल्कुल भी मत देना। सुनील ने बोला ओके ठीक है, मैं तो जाऊँगा, तो मैं किसी को लिफ्ट देने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो बस सुनील ने क्या किया फ्रेंड्स, कि जा रहा था, रास्ते में जा ही रहा है, कार चल ही रही है, सडनली क्या हुआ ना कि रास्ते पर एक लेडी उसको दिखी जो काफ़ी ज़्यादा घूंघट में थी और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी। तो उसने सोचा कि नहीं चलो मैं रोकूंगा नहीं, बट उसको हाथ दे रही थी मगर सुनील ने रोका नहीं। थोड़ी देर रुका, फिर वो आगे सडनली चलते बना। जब वो सुनील आगे की ओर बढ़ गया, बढ़ रहा है, तो फिर उसने गाना शुरू करके, आपको पता है ना कि रात में कोई भी ट्रेवल करता है, स्पेशल रूप से हमारे भारत में, तो सब हम लोग जितने भी हमारे भाई लोग हैं ना, हनुमान चालीसा चालू कर देते हैं कि डर ना लगे। तो हनुमान चालीसा चालू था, सडनली उस हनुमान चालीसा चालू था, हनुमान चालीसा की जो वॉल्यूम होती है ना, वो बिल्कुल कम होती चली गई। सुलीन ने सोचा कि इधर उधर देखा तो कोई तो है नहीं, ड्राइविंग बिल्कुल ही अपने मज़े से कर रहा था, थोड़ा उसको डर तो लग ही रही थी। डर इसलिए लग रही थी कि बिल्कुल सुनसान रास्ता था, दो तीन ट्रक आ जा रही थी, बट वो पूरे रोड में बिल्कुल अकेला था। तो सुनील को काफ़ी ज़्यादा डर तो लग रहा था, रात के 1 बज रहे थे। उसने सोचा कि चलो 2 घंटे के ही सफ़र है ना, पूरा कर लूँगा। तो वो जा ही रहा था, फिर सडनली हनुमान चालीसा कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो उसने बोला मेरा हनुमान चालीसा ये कम क्यों हो गया? तो फिर उसने तेज कर दिया, फिर 5 मिनट में कम होती चली गई। तो फिर इसने अचानक वो ड्राइविंग ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर अपने वो सीट पर देखा, ऊपर जो उसका जो कांच लगी हुई रहती है ना, ड्राइविंग कर रहा है, फिर कांच पे देखा, सडनली कांच पे देखा तो वो बिल्कुल ब्रेक लगा दिया गाड़ी को। ब्रेक लगाने के साथ फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, पीछे उसने देखा कि एक लेडी है ना, बिल्कुल घूंघट में, रेड कलर का पहनी हुई है, घूंघट में इस तरह का साड़ी है और इस तरह का घूंघट की हुई है, इस तरह का देख सकते हैं। और वो लेडी बिल्कुल घूंघट में है और बैठी हुई है। सुधीर को कुछ दिखा नहीं, उसने गाड़ी रोका, गाड़ी रोकने के साथ फिर उसने कुछ, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में, इसलिए मैं ऐसा करना पड़ता है ताकि आप लोग को अच्छा लगे स्टोरीज। तो कहने का मतलब, वो लेडी बिल्कुल घूंघट में थी, ये गाड़ी रोका तो कांच में उसको दिख रही थी, बट वो पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, बट उसको कांच पे दिखाई दे रहा था सुनील को कि कोई लेडी बैठी हुई है उसके पीछे। वो गाड़ी रोका और सडनली वो गाड़ी से बाहर निकला और बोला कौन है, निकलो यहाँ से, उसने करने लगा। फिर कोई जवाब नहीं आया, फिर सडनली उसकी गाड़ी अपने आप चालू हो गई। अब जब गाड़ी स्टार्ट हो गई, सुनील तो गाड़ी के बाहर था और गाड़ी स्टार्ट हो गई, सडनली गाड़ी चलना शुरू हो गया। अब जब सुनील की गाड़ी चलने लगी, सुनील वहीं पे खड़ा रह गया, उसके तो होश उड़ गए पूरे के पूरे, पसीने से लथपथ। अब वो जो घूंघट में लेडी थी ना, उसको दिखाई देने लगी सुनील को। अब वो जो लेडीज थी
बिल्कुल ऐसे ही घूंघट में थी और उसको दिखाई देने लगी और ड्राइविंग कर रही है, ड्राइविंग कर रही है, ड्राइविंग करते करते थोड़ी दूर गई होगी, 20-25 गई होगी, पे 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 हॉर्न मारने लगी और सुनील को बुलाने लगी, दरवाज़ा ओपन कर दिया और बोले बुलाने लगी। अब तो सुनील काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसको तो वो तो पूरा होश उड़ गया, वो दौड़ दौड़ के भागने लगा। वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, सडनली वो घूंघट वाली जो औरत है वो सडनली वहाँ से गायब हो गई गाड़ी, और सुनील भागता चला गया। जैसे जैसे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते भागते वो गिर गया और रोड के किनारे ही वो ऐसे करके गिर के बिल्कुल बेहोश जैसा पड़ा हुआ था। फिर उसने देखा कि कहीं दूर कोई कार आ रही है। अब कार आ रही है, सुनील को तो जान में जान आ गया, बोला चलो लिफ्ट मांग लूँगा, मेरी जान बच जाएगी। बस जल्दी जल्दी सुनील कार को ऐसे रोकने लगा। बस जैसे ही उसके पास वो कार आने लगी, बस उसने सडनली उसी समय देखा कार में तो कोई भी नहीं है, बट ये कार किसकी थी? सुनील की ही कार थी। ये कार जो थी उसी की कार थी, उसी के सामने आके खड़ी हो गई। अब तो सुनील का होश ठिकाने ख़त्म, दरवाज़ा ओपन हो गया, उसको कार पे कोई लेडी दिखाई नहीं दी मगर कार के दरवाज़ा ओपन हो गई। सुनील सोचा कि जब कोई है ही नहीं तो मैं कार पे बैठ जाता हूँ, इधर खाई है उधर दोनों तरफ मौतें हैं उसकी, जाए तो जाए, वो कहाँ जाए, है कि नहीं। तो फिर वो बैठा, जैसे ही बैठा कार स्टार्ट करने के लिए हुआ, वैसे ही सडनली पीछे ऐसे देखा, ये क्या, कार के सामने तो वो लेडी बैठी है घूंघट वाली। अब तो सुनील का होश उड़ गया, अब तो वो पानी पानी पूरा हो गया, उसके होश इतने ठिकाने हो गए थे कि पसीना से लथपथ हो गया, रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद वो लेडी देखती है उसको और देखने के साथ उसको बोलती है बहुत भयानक आवाज़ में, तुम गाड़ी चुपचाप चलाओ नहीं तो तुम्हारी मौत लिखी है, और मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे उतरना है, मुझे वहाँ तक तुम छोड़ दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाओ। सुनील को समझ में आ गया कि इसको कहीं जाना है आत्मा को, इसलिए ये मेरे साथ बैठी है। बस सुनील गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा, बार बार नज़र भी उसको उस तरफ रहता था, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, चल रही है, नज़र भी उस तरफ है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। 2 किलोमीटर आ गए, सडनली उसने आत्मा ने बोला रोक दो, गाड़ी स्टॉप कर दी। आत्मा बाहर निकली और बोली ये जो बात है किसी को बताना नहीं, अगर जिस दिन तुमने बताया उसी दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। सुनील ने बोला नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जान बख्श दो और मुझे जाने दो, मैं कभी नहीं बताऊंगा ये घटना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ऐसा कह के वो सुनील ने माफ़ी मांगी और बोली, तो आत्मा ने इशारा किया कि जाओ। अब वो आत्मा फिर वहाँ से गायब हो गई। और जब गायब हो गई फ्रेंड्स, सुनील को तो आओ देखा ना ताओ, इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा। जब अपने स्टॉप पे पहुँचा, आधे किलोमीटर ही उसका स्टॉप होगा जहाँ उसको जाना था, वहाँ पे एक उसका दोस्त मिल गया। देखे किस्मत, एक दोस्त मिल गया। दोस्त, उसकी बाइक ख़राब हो गई थी, बाइक रोका, सुनील सडनली ब्रेक रोका। ब्रेक रोकने के साथ वो अपने दोस्त को बोला कि आखिर यहाँ पे तुम खड़े क्यों हो? दोस्त ने बोला कि मेरा बाइक ख़राब हो चुका है, तुम जा रहे हो ना, यहीं तो है, हमको छोड़ना, यहाँ बाइक मैं रख देता हूँ, मुझे छोड़ देना। बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे एक आत्मा मिल गया था। सुनील ने सारा कहानी बता दिया अपने दोस्तों को, क्योंकि वो भूल चुका था। अब उसका दोस्त तो इतना ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो तो कहानी सब बता दिया दोस्त को सुनील। अब दोस्त ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, इस कार के पे तो मैं बैठूँगा नहीं, मैं दूसरा से कुछ लेता हूँ, मैं पैदल चला जाऊँगा, तुम जाओ 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 बाबा भगवान, तुम जाओ यहाँ से। उन्होंने ऐसा बोला और निकल चला। निकलने के साथ जैसे ही सुनील आगे बढ़ा, आई थिंक आधे किलोमीटर ही गया होगा, नीचे खाई थी, उसको दिखाई नहीं दिया और ब्रेक फेल, गाड़ी गिर गई पूरी की पूरी खाई में। खाई में गिरने के साथ गाड़ी का पर्चा उड़ चुका था। सुनील की लाश तो छोड़ दीजिए, उसके एक बॉडी भी किसी को नज़र नहीं है, क्योंकि गाड़ी गिरने के साथ ब्लास्ट हो चुका था। सुनील तो ख़त्म। उस आत्मा ने फिर आई वहाँ पे और ज़ोर से हंसने लगी और बोलने लगी,
मैंने बोला था ना कि किसी को बताने का नहीं, और तुमने मुझे बता दिया। अगर तुम नहीं बताते तो मैं तुम्हारी जान बख्श देती। ऐसे कह के वो गायब हो गई। तो ये वो स्टोरी है, और उस खाई में अभी भी सब लोग बोलते हैं कि वो आत्माएं आती है, लिफ्ट लेती है, मगर लिफ्ट लेने वाला अगर किसी को कुछ नहीं बोलता है तो जिंदा रहता है। अगर वही लिफ्ट लेने वाला सबको हल्ला करता है, सबको बोल देता है, तो उनकी उसी समय डेथ हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाया, और ये रियली स्टोरी मेरे पास आई थी। इंस्टाग्राम पे मेरे एक भाई ने मुझको दिया था और बोला था कि दी इसको आप शेयर करना, बहुत ही मस्त की स्टोरी है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और बेल आइकन की जो घंटी है ना उसको आप पूरा ओके कर देना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक स्टोरी के साथ। तो टिल देन बाय एंड गुड नाइट, एंड जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी, एंड ओम नमः शिवाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।